an aeroplane is flying along the line. An aeroplane is flying along the line. R vector equal to lambda I cap minus J cap plus K cap, where lambda is a scalar, where lambda is a scalar quantity, a scalar, and another aeroplane is flying along the line R vector equal to I cap minus J cap plus mu minus 2J cap plus K cap, where mu is a scalar. Mu is a scalar. At what points on the lines should they reach? So that distance between the shortest distance between them is shortest. Find the shortest possible distance between them. Find the shortest possible distance between them. मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट इक्वेशन की लाइन भी निकालनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो यहाँ आएगी उसकी लाइन की इक्वेशन भी निकालनी। अब ये कैसे निकालेंगे, एक नया कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, क्योंकि इस पर एक और प्रॉब्लम कराऊंगा सेम, और इस तरह की प्रॉब्लम आपकी केस स्टडी में आ सकती है। लिख लिया सबने? अब आप कैसे करोगे इस वाली प्रॉब्लम को, ध्यान से देखना। सपोज पहला वाला एरोप्लेन इस लाइन पे जा रहा है, एरोप्लेन वन। दूसरा वाला एरोप्लेन इस वाली लाइन पे जा रहा है, एरोप्लेन टू। ये इनके पॉइंट मान लो पी और एम। सपोज ये पॉइंट ऐसे हैं जहां से हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही है, तो मुझे एक तो पीएम की इक्वेशन निकालनी है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, ये दो काम करना। तो जो हमारी लाइन वन है, इस लाइन पे जिस लाइन पे जा रहा है एरोप्लेन, वो क्या था? आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा आई केप माइनस जे के प्लस लाइन वन। आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा तथा पॉइंट आई माइनस जे प्लस के।
बेटा आपका पॉइंट पी, ये आ गया आपका लेमडा कोमा माइनस लेमडा कोमा लेमडा, ये पॉइंट पी आ गया जनरल पॉइंट। दिस इज पॉइंट लेमडा माइनस लेमडा लेमडा, लाइन टू ये रही। तो आपका पॉइंट एम आ गया -1 -2 मीन, नहीं, 1 -2 मीन नहीं, ओनली 1 -1 -2 म्यू और म्यू आई, 1 इधर आई नहीं है तो 1 आ गया, -1 -2 म्यू और इधर के नहीं है तो ओनली म्यू। ये वाला पॉइंट आपका आ गया एम पॉइंट। क्या ये ऑनलाइन सबको समझ में आ गया कैसा है ये पॉइंट? हेलो यस सर, सर, यस यस सर, सर। ये आ गया। अब मैं पीओएम वेक्टर निकालूंगा, कौन सा वेक्टर निकालूंगा? पीएम वेक्टर। पीएम वेक्टर आ गया आपका 1 -लैम्डा आई के -1 -2 म्यू प्लस लैम्डा जे के और म्यू माइनस लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा के म्यू माइनस लैम्डा के, ये हमारा पीएम वेक्टर आ गया। दिस इज पीएम वेक्टर। अब ये पीएम वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? लाइन 1 के, और पीएम वेक्टर लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है। भाई शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब है जैसे ये शॉर्टेड डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और नीचे वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर हो गया। इस तरह से शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, और इनके बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस ये वाला पॉइंट होगा, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो पीएम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, सो देयरफॉर पीएम वेक्टर डॉट बी1 वेक्टर इक्वल टू 0। पीएम वेक्टर डॉट बी1 वेक्टर इक्वल टू 0, तो यह आ गया 1 -लैम्डा आई के -1 -2 म्यू प्लस लेमडा जे के और प्लस म्यू माइनस लेमडा के डॉट आई के माइनस जे के प्लस के, ये बी1 वेक्टर है हमारा, इक्वल टू 0। ये आ गया 1 -लेमडा, इसको -1 से करोगे तो 1 +2 म्यू -लेमडा और प्लस म्यू माइनस लैम्डा। तो देखो ये आ गया 3 म्यू -3 लैम्डा, 3 म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, 3 म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू -2। वो यार आप पीएम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, therefore PM vector dot B2 vector equal to 0।
अब पीएम वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर जीरो करो, तो पीएम वेक्टर आ रहा है हमारा 1 माइनस लेमडा आई के माइनस 1 माइनस 2 म्यू प्लस लेमडा जे के प्लस म्यू माइनस लेमडा के डॉट बी वेक्टर है आपका -2 जे के प्लस के बी टू वेक्टर, इसको 0 के इक्वल कर दो। तो देखो जे के आई के तो आ नहीं रहा, 2 प्लस 4 म्यू -2 लेमडा प्लस म्यू -लेमडा, तो ये आ गया 5 म्यू -3 लेमडा इक्वल टू -2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। देख लेना भाई कहीं प्लस माइनस की गलती हो तो देखते रहना तनिष्क ऑनलाइन। यस सर, तो ये यहाँ तक यस सर। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्विंग 1 एंड 2, -3 म्यू -3 लेमडा इक्वल टू -2, 5 म्यू -3 लेमडा इक्वल टू -2, माइनस प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल, म्यू की वैल्यू 0 आ रही है। यदि म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो लेमडा की वैल्यू 2/3 आ रही है। ये हमारा म्यू और लेमडा की वैल्यू आ गई है। तो पॉइंट पी, क्या आ गया आपका पॉइंट पी, आ गया आपका 2/3 -2/3 2/3, यही आ रहा पॉइंट एम। एम पॉइंट क्या था, 1 -1 -2 म्यू, तो 1 -4/3 कितना हो गया -7/3। और क्या था, के में म्यू था तो माइनस म्यू मतलब 0। अच्छा म्यू है क्या, सॉरी 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 सॉरी, 1 -1 और 0, ये पॉइंट है हमारा। नाउ इक्वेशन ऑफ पीएम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, x -2/3/1, y+2/3/-1 और z -2/3/0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रूट ऑफ 2/3 -1, 1/3 का होल स्क्वायर -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, तो यह आ गया 1/9 + 1/9 + 4/9, तो रूट ऑफ 6/9 मतलब रूट ऑफ 2/3 यूनिट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रूट ऑफ 2/3, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है। तो ये इस बार के सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है भाई। एक और बिल्कुल लास्ट ईयर भी सैंपल पेपर में, बातें मत करो बेटा प्लीज, लास्ट ईयर भी सैंपल पेपर में सेम टाइप की प्रॉब्लम गिवन थी। बेटा बोलने का फर्क नहीं पड़ रहा है।
अब देखो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में क्या आया था वो देखो। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी उसमें भी। लिखो देखो यहां पर आपकी जो जिस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा रही है शॉर्टेड डिस्टेंस और इंटरसेक्टिंग, ये दो कंसेप्ट और इन्हीं दो कंसेप्ट पर प्रॉब्लम आएगी, ये पक्का है। शॉर्टेड डिस्टेंस और इंटरसेक्ट, अब उसमें क्या है बहुत पेशेंस की जरूरत है, आपको बहुत आराम से काम करना है। मैंने देखा ना अभी जैसा सेट है आपका चेक हुआ, सेट ए में 90% स्टूडेंट ने माइनस की गलती कर दी। माइनस वन प्लस लेमडा लिखना था, माइनस वन माइनस लेमडा लिख दिया, उसमें पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। और गलती वही होती है और कुछ नहीं होती इनमें, चाहे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हो, चाहे आपका इंटरसेक्टिंग चेक करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ऐसे करना है। चलो लिखो, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू 6 i k प्लस 2 j k प्लस 2 k k प्लस म्यू i k माइनस 2 j k प्लस 2 k k एंड अनादर लाइन एंड अनादर इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन माइनस आर वेक्टर इक्वल टू माइनस 4 i k माइनस k k प्लस म्यू 3 i k माइनस 2 j k माइनस 2 k k एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। वहां पर आपका एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था, यहाँ इंसेक्ट चल रहा है, कोई भी अंतर नहीं है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम तो हमें दोनों की बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना। जो ऑनलाइन है उनके मार्क्स सुन लो, ईशान के 29 मार्क्स हैं, तनुश्री 23.5, कल्पना 26, जिया 10, मीका 25.5, सुबी 28, तनिष्क के फुल है, विदुषी 18 और अंशिका 18, ये आपके मार्क्स। चलो देखो सर, लिख लीजिए पहले इस क्वेश्चन को। बाकी अभी सेट भी चेक नहीं हुआ है, वो आज चेक हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सेम, ये पहली लाइन, ये पहला इंसेक्ट जा रहा है यहाँ पर, ये दूसरा इंसेक्ट जा रहा है, इंसेक्ट वन
इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इंसेक्ट टू इधर जा रहा है। मान लो कि दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रही, जो कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ऐसा मत बोलना कि आगे जाके मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगे, क्योंकि आपका इंसेक्ट ऐसे जा रहा है इस तरह से, ये कभी मीट नहीं करेगी आगे लाइन। यहाँ पर दिखाने के लिए ऐसे ही दिखा सकता हूँ, और कैसे नहीं दिखा सकता। 3D ज्योमेट्री में पी पॉइंट लाइन वन से निकाल लेंगे, देखो इधर सिक्स का रहा पी पॉइंट। अच्छा पहले लेमडा, ही लेमडा करना है इसको, 6 प्लस लेमडा, 2 माइनस 2 लेमडा, और 2 प्लस 2 लेमडा। अभी लिख देंगे, ये आपका पी पॉइंट हो गया, 6 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ देखो, -4 प्लस 3 μ, जे ओनली -2 μ, और -1 -2 μ, ये हमारा पॉइंट एम आ गया। पॉइंट एम आने के बाद हम क्या करेंगे, कौन सा वेक्टर निकालेंगे, पीएम वेक्टर। पीएम वेक्टर को लाइन वन से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लाइन टू से डॉट प्रोडक्ट, लेमडा म्यू में दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सोल्व कर लेंगे। ये हमारा प्रोसीजर है। तो अभी जो मैंने लिखा है इसको लिखने, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लाइन वन आर वेक्टर इक्वल टू 6i k + 2j k + 2k k प्लस लेमडा आई के -2j k + 2k k। लेट पॉइंट पी 6 प्लस लेमडा 2 माइनस 2 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा, ये हमारा पॉइंट पी आ गया। लाइन टू आर वेक्टर इक्वल टू -4i k - k k प्लस म्यू 3i k - 2j k। तो लेट पॉइंट क्यू -4 प्लस 3 μ -2 μ और -1 -2 μ पी एम वेक्टर -10 प्लस 3 μ - λ i k -2 μ + 2 λ - 2 j k और प्लस -3 - 2 μ - 2 λ k k। ये हमारा पीएम वेक्टर आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए। दिस इज पीएम वेक्टर। अब पीएम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन वन। पीएम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन वन। सो देयरफॉर पीएम वेक्टर आ गया आपका -1 + 3 μ - λ i k -2 μ + 2 λ - 2 j k और -3 - 2 μ - 2 λ k k डॉट
b1 वेक्टर है आपका आई के माइनस टू जे के प्लस टू के इक्वल टू 0। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, -10 प्लस 3 म्यू माइनस लेमडा प्लस 4 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 4 और -6 माइनस 4 म्यू माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 0। म्यू देख लो भाई, 7 म्यू माइनस 4 म्यू, सो 4 म्यू कैंसिल 3 म्यू। लेमडा देखिए माइनस 6 7 लेमडा और -10 -2 इक्वल टू 12। देखना यही आ रहा है कहां सर -4 लैम्डा आएगा वहां पर, ये पर। हाँ दूसरी लाइन से मल्ट, तो राइट राइट राइट, -4 लैम्डा है। जाओ फिर भाई, -9 लैम्डा बचेगा। अब ये आ गया आपका 4 म्यू से 4 म्यू कैंसिल हो गया, 3 म्यू -5 लैम्डा प्लस 3 म्यू और इक्वल टू 12। यही आ रहा है वहां सर, 5 लैम्डा की जगह 9 लैम्डा है। पर, 5 लैम्डा की जगह 9 लैम्डा कैसे आ रहा है? 1 सेकंड, 4 लैम्डा 8 लैम्डा 9 लैम्डा। अब 3 से कैंसिल कर दो, ये हमारे फर्स्ट। इसी तरह PM वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल इस परपेंडिकुलर टू लाइन 2। PM वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो PM वेक्टर डॉट B2 वेक्टर फिर वापस लिखना पड़ेगा आई के -2 म्यू प्लस 2 लेमडा माइनस 2 जे के और -3 -2 म्यू माइनस 2 लेमडा के डॉट सेकेंड लाइन 3 i k -2 j k -2 k k। तो ये आ गया -30 प्लस 9 म्यू -3 लेमडा प्लस 4 म्यू -4 लेमडा -+4 और -2 से, इसको भी -2 से करना, 6 प्लस 4 म्यू +4 लैम्डा। देख लेना ये सही है ना, 4 लैम्डा से 4 लैम्डा कैंसिल, तो ये आ गया आपका -3 लैम्डा। यही आ रहा है क्या ऑनलाइन? यस सर, यस बस 17 लैम्डा, सर, 17 म्यू 17 म्यू। और ये कितना आ रहा? -20 -20 मतलब इक्वल टू 20 इक्वल ट्वेंटी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेंगे तो लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। -3 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 4, -3 लैम्डा प्लस 17 म्यू इक्वल टू 20, प्लस माइनस माइनस -16 म्यू इक्वल टू -16, म्यू का वैल्यू 1 और म्यू का वैल्यू 1 आ गया तो लैम्डा का वैल्यू -1। म्यू इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू -1, तो पॉइंट पी आ गया आपका, पॉइंट पी था हमारा 6 प्लस लैम्डा, तो 6 प्लस लैम्डा मतलब 5, 2 माइनस 2 लैम्डा 4, फिर 2 प्लस 2 लैम्डा 0। सही लिखा?
पॉइंट सर एम, पॉइंट एम ये है माइनस फोर प्लस थ्री म्यू, तो माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, सही है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x माइनस फाइव अपॉन माइनस सिक्स, y माइनस फोर अपॉन माइनस सिक्स, z माइनस जीरो अपॉन माइनस थ्री। x माइनस फाइव अपॉन टू, y माइनस फोर अपॉन टू, z अपॉन वन। ये तो आपकी कार्टेशियन है, वेक्टर हो गई r वेक्टर इक्वल टू फाइव वाई के प्लस फोर जे के प्लस लेमडा डेज टू आई के प्लस टू जे के प्लस के के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। और लास्ट में आप क्या निकाल दोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइव प्लस वन सिक्स का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स प्लस नाइन, 81, नाइन यूनिट। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई नाइन यूनिट। अब कंसेप्ट आप समझ लीजिए, यही आपका परपेंडिकुलर में होता है, वही आपका परपेंडिकुलर में भी सेम कंसेप्ट लगता है। पीएम वेक्टर निकालना पड़ता है, डॉट बी वेक्टर। लेंदी है, मैं मानता हूँ लेंदी है, क्योंकि पीएम वेक्टर निकालना फिर कैलकुलेशन करना बड़ा टिपिकल काम है। बेटा तुम दोनों अलग अलग बैठा करो, क्योंकि बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगेगा मुझे। कल से दोनों साथ नहीं बैठना। देखो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट वन कोमा टू कोमा सिक्स टू द लाइन एक्स माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन। क्वेश्चन चेक कर लेना। इस पॉइंट ए प्लस ए बी सी, पॉइंट ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका आंसर टू है क्या? अभी चेक करना पड़ेगा ना बेटा, ये इसने ही पूछा अभी, मुझे पता थोड़ी, एक बार चेक कर लेते। पॉइंट पी आ गया आपका वन टू सिक्स, ये आपकी लाइन आ गई एक्स माइनस थ्री अपॉन टू वाई प्लस वन अपॉन टू,
एक्स माइनस थ्री अपॉन टू वाई प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू लेमडा। ये पॉइंट आपको गिवन है एम ए बी सी। लेट पुट टॉप परपेंडिकुलर एम बी टू लेमडा प्लस थ्री टू लेमडा माइनस वन माइनस लेमडा प्लस वन। सो देयरफॉर ए इक्वल टू टू लेमडा प्लस थ्री बी इक्वल टू टू लेमडा माइनस वन और सी इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस वन। ये हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें पीएम वेक्टर निकालना पड़ेगा। पीएम वेक्टर एम पॉइंट आया आपका टू लेमडा प्लस थ्री टू लेमडा माइनस वन माइनस लेमडा प्लस वन। पीएम वेक्टर टू लेमडा माइनस प्लस टू जे आई के माइनस टू लेमडा माइनस थ्री जे के टू लेमडा माइनस थ्री जे के और माइनस लेमडा माइनस फाइव के।